धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शक्ति की देवी माँ दुर्गा स्वर्ग लोक से धरती लोक पर भक्तों का कल्याण करने के लिए आती हैं। नवरात्रों में नवमी तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन देवी दुर्गा के नौ रूप की पूजा कन्याओं के रूप में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान यह भी मायने रखता है कि कन्याओं की उम्र आखिर कितनी होनी चाहिए जिसकी हमें पूजा करनी है। हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि नवरात्रों में नवमी तिथि का खास महत्व है। इस दिन देवी दुर्गा के नौ रूप की पूजा नौ कन्याओं के रूप में की जाती है। इन कन्याओं की उम्र 8 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और क्या कहते हैं हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री, सुनिए। आश्विन मास में प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म के अनुसार नवरात्रों के पर्व को विधि विधान से संपन्न करते हैं और नवमी तक बड़े धूमधाम से पूजा का आयोजन होता है। कोई अष्टमी को पूजता है, कोई नवमी को। तो हमें कितनी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, अर्थात उनकी पूजा करनी चाहिए। सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार बताया गया है 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा विधि विधान से की जाती है। इसी कारण से कन्याओं को, अर्थात 9 की संख्या जो होती है नव दुर्गा पूजा, अर्थात 9 ही कन्याओं को भोजन कराना चाहिए उनका, अर्थात 9 इसलिए करना चाहिए कि 9 का अंक भी बहुत अच्छा है और 9 ही दिन पूजा का विधान भी है। तो इसीलिए लगभग 7.5-8 वर्ष तक लगभग जो कन्याएं होती हैं उनको ही उसमें निमंत्रण में बुलाएं, उनकी पूजा करें और उनको भोजन कराना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। प्रथमम सैल पुत्री चे द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे कुष्मांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंद माती षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार माँ दुर्गा के 9 नामों का इसमें उच्चारण हुआ है, उल्लेख किया गया है। इसीलिए 9 जो कन्याएं होती हैं उनको हमें इन्हीं 9 रूपों में ही उनकी पूजा करनी है और 9 की ही संख्या में ही उनका हमें आदर सम्मान से उनका जो चरण हम धुल करके उनकी पूजा करके जो भी हम उनको एक उपहार स्वरूप लाल चुन्नी या कोई अलग अलग उपहार सभी घरों में दिए जाते हैं उनको हम एक देवी का ही रूप मान करके उनके चरण धोएं और बड़े सम्मान से उनको बैठाएं। विधान यही है कि 9 दिन तक जो माँ दुर्गा की पूजा होती है नव दुर्गा भी बोलते हैं तो 9 कन्याओं का ही पूजन उनका सम्मान करना अनिवार्य है। हमेशा ही कुछ भ्रम की स्थिति बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार ऐसा पंचांग के अनुसार भी ऐसा मानना होता है जिस दिन उदया तिथि होती है उसी को ही सर्वमान्य तिथि मानते हैं, उसी को ही पूजा करना श्रेष्ठ होता है। तो 12 तारीख को 10:57 तक नवमी तिथि रहेगी, उसी में ही सभी सनातन धर्म को मानने वाले सभी हमारे हिंदू धर्म वाले सभी कन्याओं का पूजन 10:57 तक ही संपन्न कर लें, वही शुभ मुहूर्त है। मतलब 12 तारीख को जो नवमी उदया तिथि के रूप में होगी और उसी समय में ही कन्याओं का पूजन करना श्रेष्ठ है, तत्पश्चात 10वीं तिथि का आगमन हो जाएगा।